अक्सर आपने भी बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा, हुई है सोई जुराम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। जिसका भावार्थ है कि जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ाए। जी हाँ, अक्सर लोग सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही सेलिब्रिटीज के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह आगे चलकर इतने बड़े हीरो या फिर सेलिब्रिटी बन जाएंगे। आपको बता दें, इस लिस्ट में कोई छोटे मोटे एक्टर नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन जैसे साउथ सुपरस्टार तक का नाम शामिल है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ये सेलिब्रिटीज इस मुकाम तक पहुंचने से पहले क्या काम किया करते थे। विजय देवरकोंडा। एक्टर विजय देवरकोंडा आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, हर साल ही वह एक से एक फिल्में देते रहते। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि एक्टिंग में आने से पहले विजय देवरकोंडा ने एक ट्यूशन मास्टर के रूप में काम किया था। उन्होंने नोविला में अपनी पहली फिल्म के साथ फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ली थी। इसके बाद तो उन्होंने अर्जुन रेड्डी जैसी एक से एक फिल्में दी। अल्लू अर्जुन, साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का आज कोई मुकाबला नहीं है। फिल्म में पुष्पा ने तो उनकी पॉपुलैरिटी में चार चांद लगा दिया है। आपको बता दें कि स्टाइलिश स्टार के नाम से मशहूर अल्लू अर्जुन ने एक्टिंग में आने से पहले एक अनोखी नौकरी की थी। उन्होंने एक एनिमेटर के रूप में काम किया, लेकिन नियत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था और आखिर में वह वहां तक पहुंच ही गए। अजीत कुमार। अजीत कुमार साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर हैं। उनकी फिल्में उनके नाम से ही चलती हैं। आपको बता दें कि अजीत कुमार ने 10वीं तक पढ़ाई करने के बाद स्कूल छोड़ दिया था और इसके बाद उन्होंने 6 महीने तक बतौर मैकेनिक काम किया और ट्रेनिंग ली। लेकिन उनके पिता को उनका ये काम करना पसंद नहीं था। इसके बाद उन्होंने फैमिली फ्रेंड की एक्सपोर्ट कंपनी ज्वाइन कर ली, जहां पर उन्होंने बिजनेस डेवलपर के तौर पर काम किया। आज वह साउथ के जाने माने स्टार हैं। एक्टर गोपी चंद। गोपी चंद ने अपने करियर की शुरुआत एक लोकप्रिय टीवी चैनल में समाचार वाचक के रूप में की। उनकी पहली फिल्म थोली वलापू लोगों को कुछ खास रास नहीं आई, लेकिन उन्हें जैम और वशम जैसी फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाकर पहचान मिली। फिल्म यज्ञम उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई। एक्शन से भरपूर भूमिकाओं में अपने जीवंत प्रदर्शन के लिए उन्होंने एक्शन स्टार और माचो स्टार जैसे टैग मिले। ब्रह्मानंदम। भारतीय सिनेमा के सबसे प्रिय हास्य कलाकारों में से एक ब्रह्मानंदम ने हमें गुदगुदाने से पहले एक अलग करियर चुना था। उन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पूरी करने के बाद तेलुगु लेक्चरर के रूप में काम किया। अपने शिक्षण कार्य के साथ साथ उन्होंने थिएटर, उनकी प्रतिभा ने निर्देशक जंधियाला का ध्यान खींचा, जिससे उन्हें 1987 में आई फिल्म अहान अपेलंता में सफल भूमिका मिली। ब्रह्मानंदम के पास से एक अभिनेता के रूप में सबसे अधिक स्क्रीन क्रेडिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है और उन्होंने अपनी त्रुटिहीन कॉमेडी टाइमिंग के लिए कई पुरस्कार भी जीते हैं।